क्या सास के बाद पति से भी हो गया है ऐश्वर्या का झगड़ा? अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्तों में क्या आ चुकी है दरार? क्यों बार बार अकेले जाने को मजबूर हैं ऐश्वर्या? पिछले कुछ दिनों से बच्चन परिवार में कलह की खबरें सामने आ रही हैं। लंबे वक्त से हर फंक्शन में या तो ऐश्वर्या अकेले नजर आती हैं या उनके साथ उनकी बेटी आराध्या होती है। अभिषेक किसी भी पार्टी में उनके साथ नहीं पहुंचते। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे से दूरी बनाए नजर आ रहे हैं। मनीष मल्होत्रा की कल दिवाली पार्टी में एक बार फिर ऐश्वर्या अकेले पहुंची। लाल रंग की ड्रेस में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस पार्टी में दूसरी एक्ट्रेसेस जहां अपने पति के साथ आईं, तो वहीं ऐश्वर्या अभिषेक के बिना पहुंची। इससे पहले ऐश्वर्या का जन्मदिन भी ऐसे ही फीका रहा। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या और माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन इस मौके पर ना ही अभिषेक दिखे और ना ही जया अमिताभ में से कोई नजर आया। वहीं इससे पहले मुकेश अंबानी की गणपति पूजा में भी ऐश्वर्या आराध्या के साथ पहुंची थी, लेकिन वहां भी अभिषेक उनका साथ देने नहीं आए। पेरिस फैशन वीक में भी ऐश्वर्या और आराध्या ही गईं, अभिषेक वहां भी दोनों का साथ देने नहीं पहुंचे। हालांकि जया बच्चन अपनी नातिन नव्या को सपोर्ट करने वहां आई थीं, लेकिन बहू ऐश्वर्या के लिए वो चीयर्स करती नहीं दिखीं। जो ऐश्वर्या पति का हाथ छोड़े बिना नहीं चलती थीं, अब वो पति के बगैर हर पार्टी अटेंड कर रही हैं। पिछले साल मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों आए थे, तब भी यही कहा गया था कि दोनों घर से झगड़ा करके पार्टी में पहुंचे थे। अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ ना देखकर लोगों को ये बात खटकने लगी है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, ये कभी हस्बैंड के साथ क्यों नहीं दिखती? दूसरे ने पूछा, ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से अलग हो चुके हैं क्या? वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।